जब भगवान हयग्रीव ने किया हयग्रीव का वध, बात उस समय की है जब हयग्रीव नाम का एक महापराक्रमी दैत्य पृथ्वी पर आया। उसने सरस्वती नदी के किनारे जाकर माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। अन्न जल का त्याग कर वह महामाया के बीज मंत्र का कठोर जाप करता रहा। उस समय उसने सभी सांसारिक भोगों का त्याग कर दिया था। दिन रात बस माता को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का जाप करता रहता था। उसकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माता तामसी शक्ति के रूप में उसके सम्मुख प्रकट हुई। प्रकट होकर माँ ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुई। तुम जो चाहो वो मांग लो, मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगी। माँ भगवती की प्रेममय वाणी सुनकर हयग्रीव की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसकी आँखों में अपनी सफलता और मठ की प्रसन्नता की नमी उबर आई। वह माँ भगवती की स्तुति करते हुए बोला, हे ममता मई माँ, आपको मेरा नमस्कार है। आप आदिशक्ति स्वरूपा व जगत का कल्याण करने वाली हो। हे महामाया, जगत का पालन और संहार करना ही आपका स्वभाव है। आपकी कृपा मात्र से असंभव कार्य भी क्षण भर में पूर्ण हो जाते हैं। आपके लिए सब कुछ साथ है। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके मुझे अमर होने का वरदान दे दें। इतना सुनकर देवी ने कहा, हे दैत्यराज, यह मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये प्रकृति का नियम है और इस नियम को तो स्वयं त्रिदेव भी नहीं बदल सकते हैं। किसी प्राणी मात्र के लिए अमर होना संभव ही नहीं है। स्वयं देवताओं को भी इस लोक में आकर कार्य समाप्ति पर मृत्युलोक से जाना पड़ता है। इसलिए तुम कोई अन्य वर मांग लो, वह मैं अवश्य ही तुम्हें दे सकती हूँ। यह सुनकर हयग्रीव ने कहा, माता, आप मुझे अमृत का वर नहीं दे सकती हैं तो कोई बात नहीं। मेरी आकांक्षा ये है कि मेरा वध हयग्रीव के हाथों ही हो, अन्य कोई मुझे ना मार सके। यही मेरी कामना है, आप इसी को पूर्ण कर दें। ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गईं। वरदान पाकर हयग्रीव की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। खुश होकर वह अपने घर को चल दिया। हयग्रीव उन देवी से वर पाकर अजय हो गया था। अब त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस दुष्ट को मार सके। इसी का लाभ उठाकर उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने ब्रह्मा जी के वेदों को छीन लिया और देवताओं तथा ऋषियों को भी परेशान करना आरंभ कर दिया था। उसके आतंक के कारण यज्ञ आदि कार्य भी बंद हो गए और सृष्टि व्यवस्था भी बिगड़ने लगी। यह देखकर ब्रह्मा व अन्य देवता भी भगवान विष्णु के पास गए। वहां जाकर देवताओं ने देखा कि विष्णु जी योग निद्रा में निमग्न थे। अब उनको जगाया कैसे जाए? यह सोचकर ब्रह्मा जी ने उनको जगाने के लिए दीमक नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया, क्योंकि
विष्णु जी एक लंबे समय से युद्ध कर रहे थे। युद्ध से थक कर जब वो आकर अपनी योग निद्रा में बैठे तो उन्होंने धनुष पर अपना सिर टिका लिया था। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस कीड़े ने धनुष की प्रत्यंचा काट दी। प्रत्यंचा कटते ही एक भयंकर गर्जन हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक कट कर अदृश्य हो गया। जब देवताओं ने विष्णु जी के कटे हुए सिर को देखा तो उन्हें भयंकर दुख और पश्चाताप हुआ। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। भगवान के सिर रहित धड़ को देखकर देवताओं के दुख की सीमा ना रही। तब सभी देवताओं ने इस विचित्र घटना को देखकर भगवती की स्तुति करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर देवी भगवती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, देवताओं तुम तनिक भी चिंतित मत हो, मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल ही होगा। तब माता ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव अब आप एक घोड़े का मस्तक लाकर विष्णु जी के धड़ से जोड़ दें। इससे भगवान का हय ग्रीव अवतार होगा और वह उस रूप में आकर ही उस दुष्ट हय ग्रीव दैत्य का वध कर सकेंगे। ऐसा कहकर माँ भगवती अंतर ध्यान हो गई। भगवती की आज्ञा अनुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक उतार कर भगवान के उस सिरहीन धड़ से जोड़ दिया। भगवती की कृपा से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ। फिर भगवान विष्णु ने हयग्रीव दैत्य से भयानक युद्ध किया। अंत में भगवान के हाथों हयग्रीव की मृत्यु हुई। हयग्रीव को मारकर भगवान ने चारों वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।